सब्सक्राइब कीजिए काजमी गेमिंग चैनल को और साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट न्यू गेमिंग की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हो यार? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। गाइस स्वागत है आपका इंडियन बाइक सिमुलेटर 3D के एक न्यू गेम प्ले वीडियो में। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई इस गेम में हमें बलेरो चीट कोड देखने को मिलता है या फिर नहीं। अगर मिलता है तो भाई कोड है क्या बलेरो का? तो गाइस ये चीज़ जानने के लिए आप बस वीडियो में शुरू से देखने तक बने रहना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी गेमिंग की वीडियोस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। और गाइस अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरा यूजर नेम काजमी दोस्त कहते थे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले भाई हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अपनी वैगनार कार को, जो कि हमारे यहाँ पर चीट कोड मिलता है। भाई आपने यहाँ पर लगाना है 4x2 लिखना, उसके बाद यहाँ पर डायल कर देना है। तो हमें यहाँ पर डायल कर दिए, तो भाई अब यहाँ पे हम वैगनार के अंदर बैठने वाले हैं। सो देख सकते हो गैस, मतलब यार वैगनार भी काफ़ी हद तक अच्छी है, बट इसमें गैस सिर्फ वैगनार में एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है इस कोड में, कि भाई ये वैगनार भाई टूटती काफ़ी ज़्यादा है इस वाली गेम में। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ से इसको जंप लगाकर। तो भाई साहब आप देख सकते हो, मतलब जंप लगाते समय यार वैगनार का मतलब आगे का जो बम्पर वगैरह था वो यहाँ से टूट गया, आप देख सकते हो। आपको मैं बता दूँ यहाँ से मतलब काफ़ी ज़्यादा भाई पूरी गाड़ी एकदम से टूट जाती है। आगे हम जो चल के इसको पूरा तोड़ेंगे, तो गैस मतलब यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में। और हम इसके बाइक्स का भी रिव्यू करेंगे और बलेरो चीट कोड भी हम देखेंगे इसमें। और भाई साहब यहाँ पे गाड़ी ने तो पलटा खा दिया, बट यहाँ से सीधा हो जाएगी कोई मसला नहीं, तो हम चलेंगे आगे। तो गैस आप पीछे का मतलब मिरर देख सकते हो, ये भी टूट चुका है। तो भाई मतलब अभी हम अच्छी सी स्पीड में इसे घुमा लेते हैं, फिर उसके बाद तोड़ेंगे। तो यहाँ से गाड़ी आ रही है आगे से, बट बच गई गाड़ी। भाई साहब मतलब यार ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा टूटती है यार। आप मेरी पहली भी वीडियोस में कहीं देखा होगा कि भाई ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा टूटती है। और इस साइड भी जो विंडो थी गैस ये भी मतलब टूट गई, आप देख सकते हो। और पीछे वाली अभी हमारे पास 3 विंडोज़ बच गई, और पीछे की एक डिक्की वगैरह बच गई गैस, वो भी मतलब अभी हिल रही है, वो भी टूट ही जाएगी। और भाई साहब आप देख सकते हो, मतलब फ्रंट का जो बॉनेट था गैस वो भी यहाँ से टूट गया। अभी आस्ता आस्ता हमारी गाड़ी टूट रही है। तो भाई साहब ये यहाँ से तो नहीं टूटी भाई, क्योंकि एक्चुअली में गाइस यहाँ पे हमारे थोड़ी सी स्पीड कम थी हमारी गाड़ी की, इसलिए गाड़ी यहाँ तो नहीं टूटी। बट गाइस आगे चल के हम तोड़ेंगे, और अभी से यहाँ से हम इसे अच्छी सी कोई स्पीड में घुमा लेते हैं यार कार को, क्योंकि हमने तोड़ना है भाई कार को। और ये क्या भाई साहब, रुक यार, मतलब आगे आ जाते हैं ये बंदे, समझ नहीं चलती मुझे इनकी। तो अभी यहाँ से फिर से हम उसी मतलब उसी जंप वाली जगह पे आए हैं, तो देखते हैं ये जंप लगा पाती या फिर नहीं, मुझे तो मुश्किल ही लगता है। तो गैस ये जंप नहीं लगा पाई, बट आप देख सकते हो यार मतलब बाकी कार उसी तरह है, बस वो 3 ही चीज़ें टूटी हैं इसकी। और अभी हम फिर से तोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब स्पीड यार एकदम से मतलब यहाँ से टर्न करना पड़ता है गैस, इसलिए इसकी स्पीड अच्छे से नहीं बन पाती। अगर स्पीड अच्छी हो तो भाई इस कार पूरी को हम तोड़ दें, जैसे कि यहाँ पे गैस आप देख सकते हो इस साइड वाली विंडो भी इसकी टूट चुकी है, और आप देख ही सकते हो। अभी यहाँ से हम इसे बैक कर लेते हैं, और फ्रंट वाली एक विंडो भी गैस इसकी टूट चुकी है भाई साहब, आप देख ही सकते हो। और हमें यार मतलब तोड़ने में इतना मज़ा आ रहा है यार, क्या बोलें। तो अभी गैस हम गाड़ी को लगा देते हैं साइड में, साइड में लगाने के बाद अभी निकलते हैं हम यहाँ से गाड़ी से बाहर निकल के गैस। उसके बाद हम यहाँ से भाई कोई अच्छी सी बाइक ले लेते हैं, और बाइक हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी भाई, बुलेट बाइक हम ले लेते हैं यहाँ से गैस। बुलेट बाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये इसी पहले वाले अपडेट में आई है। इसका चीट कोड आप देख सकते हो, 4x9 लिख के डायल कर देना है। तो भाई साहब यहाँ पे हमें बुलेट बाइक देखने को मिल गई अभी, तो अभी यहाँ से हम बुलेट बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, बैक आते हैं यहाँ से। तो गैस अभी मैंने इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी कम की हुई है, बट इसकी बुलेट बाइक की साउंड आप अगर सुन लो ना, तो भाई क्या बोलूँ यार, इतनी अच्छी साउंड आपको मैं अभी सुना देता हूँ। थोड़ी सी वॉल्यूम इसकी यहाँ से थोड़ी सी मैं ओपन कर देता हूँ, आपको यहाँ से सुना देता हूँ। तो गैस यार आपने सुना, मतलब इसकी मतलब बुलेट बाइक की साउंड यार काफ़ी हद तक बढ़िया साउंड है यार इसकी। और मतलब इसके गैस इसमें बुलेट बाइक में आपको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बाकी यार इसका चीट कोड एकदम से बढ़िया बाइक है। आपको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है गैस, वो है मतलब आपको मैं अभी दिखा दूँ, यहाँ से जैसे टर्न करते हैं, हम टर्न करते समय ब्रेक लगा दें तो गैस देखिए, मतलब ब्रेक लगते समय यहाँ से मतलब रोड से फिसल जाती है, एकदम से जंप लगाने पड़ती है गैस। ये मतलब ऐसी कुछ हमारी बाइक है। और भाई साहब बाकी तो एकदम से यार बढ़िया इसका चीट कोड है यार, मतलब क्या बोलूं यार। तो गैस आप अगर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में अगर आप स्टंट लगाना चाहते हैं तो बाइक का,
तो वो कैसे लगता है गैस, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा डिटेल के साथ बताया कि भाई बाइक को उड़ाया कैसे जाता है और साथ में उसका स्टंट कैसे किया जाता है। गैस मैंने पूरा डिटेल के साथ बताया, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से, आप जाके आराम से देख सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मतलब हमने बाइक को यार हवा में उड़ा दिया, और उसके बाद बुलेट बाइक को भी उड़ाया था और KTM को भी उड़ाया था गैस। उसके बाद भाई साहब मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे हमने बाइक्स के स्टंट भी लगाए थे, आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अभी हम बाइक को अभी यहाँ से हम साइड पे लगा देते हैं। साइड पे लगाने के बाद अभी गैस हम यहाँ से निकाल लेते हैं भाई अपनी KTM हम लेंगे RC8। तो यहाँ से मैं KTM RC8 का चीट को डायल कर देता हूँ। बट ये गाड़ी वाला कहाँ से आ गया यार, बहुत दिमाग ख़राब कर रखे हैं इन लोगों ने। तो अभी से गैस उसका चीट कोड है भाई 1190 चीट कोड है भाई हमारी KTM RC8 का। तो गैस जैसा कि यहाँ पर KTM RC8 आ चुकी है, तो भाई साहब ये बाइक भी मतलब काफ़ी हद तक बढ़िया, काफ़ी हद तक बढ़िया बाइक है भाई मैं बोलूँ तो। तो गैस इसका मतलब आप टायर देख सकते हो पीछे वाला, ये भी काफ़ी बढ़िया टायर है भाई। इसको टर्न करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी हद तक अच्छा मतलब चीट कोड आपको ये देखने को मिल जाता है। ओ भाई साहब यार बाइक ने कितना बड़ा जंप लगाया। तो गाइज इस साइड से मतलब आप घुमा के भी देख सकते हो यार कितना मतलब कितनी अच्छी बढ़िया KTM है। हेलमेट पहन ले भाई साहब। तो यार मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड है गाइज, मैं आपको स्पीड इसकी टेस्ट करा देता हूँ। उसके कंट्रोलर भी काफ़ी हद तक अच्छे कंट्रोलर हैं यार इसके। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं भाई आगे। तो भाई साहब मतलब काफ़ी हद तक यार इसके अच्छे कंट्रोलर्स हैं और साथ में इसकी स्पीड भी काफ़ी बढ़िया है। तो अभी यहाँ से हम इस साइड में लेंगे। तो गैस जो प्रॉब्लम आपको भाई बुलेट बाइक में देखने को मिलती थी, बट थोड़ी थोड़ी इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है, बट उतनी नहीं मिलती यार थोड़ी, मतलब जितनी बुलेट बाइक में आपको देखने को मिलती थी प्रॉब्लम टर्न करते समय, वो प्रॉब्लम आपको देखने को इसमें इतनी नहीं मिलती है यार। यार 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 गैस आपने आगे देखा मतलब आगे क्या चीज़ खड़ी हुई है यार, मतलब इस कार के साथ हमने बहुत ही ज़्यादा ज्यादती की है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इस कार को हमने तोड़ा है। मतलब यार क्या बोले इसके बारे में, मतलब यार गैस मैंने काफ़ी ज़्यादा इस कार को तोड़ा है। और मैंने पिछली एक वीडियो में गैस मैंने इस कार को इस मतलब सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंका था। पहले हम हेलीकॉप्टर से मतलब उस बिल्डिंग के ऊपर गए, और उसके बाद गैस वहाँ पे जाने के बाद हमने हेलीकॉप्टर को लैंड किया, और मैंने वैगनार का चीट को डायल करके वैगनार को सबसे ऊँची बिल्डिंग से गैस मैंने नीचे फेंका। और भाई साहब आप मतलब देख के हैरान हो जाओगे कि वैगनार की क्या हालत तो होगी। और वैगनार इतनी ऊंचाई से भाई ये बंदा गिरा, मतलब ये बंदे को कुछ भी नहीं हुआ, नीचे आके चलने लगा भाई साहब, इतना बेशरम बंदा है ये, क्या बोलूँ। और भाई साहब मतलब आप देख सकते हो यार इसका यार कितना मतलब कितनी बढ़िया है इसकी मतलब स्पीड आप देख सकते हो। और अभी से हम इसे लगा देते हैं साइड में और रोड के बीच में ही लगाएंगे यार, क्या कुछ नहीं होता रोड के बीच में लगाने से। तो गाइज मतलब इसमें आपको एक यहाँ पर जो है वेपन का भी ऑप्शन मिल जाता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से वेपन भी मतलब वगैरह ले सकते हो। आप यहाँ से देख सकते हो अभी हम ये आप देख सकते हो गाइज, इससे मतलब शूट करना पड़ता है आप देख सकते हो। और इसके करने के बाद आपको यहाँ पर दूसरी वाली वेपन मिल जाती है जो कि पिस्टल है। पिस्टल पर गाइज आप देख सकते हो यहाँ से मतलब ये भी भाई मतलब सिंगल ही गोली लगाती है, इतनी मतलब तेज़ नहीं है ये। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसमें भाई एकदम से क्लियर है। और बैग का आपको ऑप्शन मिल जाता है भाई, बैग का चीट कोड है गाइस 2-2 लगाने के बाद आपको बैग देखने को मिल जाता है। और ये वाला भाई रहा अपना बैग, बैग आपको डिफरेंट कलर में देखने को मिल जाता है, येलो भी आता है, ग्रीन भी आता है, और एक ये वाला मतलब आर्मी कलर का भी आपको देखने को मिल जाता है। और गाइस अब बात करते हैं कि भाई आपको इसमें बुलेरो चीट कोड देखने को मिलता है या फिर नहीं। सो गाइस आपको यहाँ पर बुलेरो को चीट कोड देखने को नहीं मिलता मिलता भाई कुछ कुछ गैस, मैं आपको सच्ची बात बता दूं तो कुछ कुछ आपने वीडियो में मतलब देखा होगा, मतलब कुछ के आपके बहुत सारी वीडियो में मैंने भी देखा यूट्यूब में कि आपको मतलब वहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको चीट को डायल करेंगे और इस साइड में यहाँ पर आपको एक बुलेरो कोड मतलब बुलेरो का मतलब आपको काइन मास्टर की एडिटिंग से वहाँ से आपको यहाँ पर सेट कर देंगे, सेट करके फेक यहाँ पर दिखा देंगे बुलेरो यहाँ पर साइड में सेट करके PNG में कन्वर्ट करके यहाँ पर सेट करके आपको दिखा देंगे कि भाई यहाँ पे हमें बुलेरो मोड सॉरी बुलेरो चीट कोड हमें देखने को मिल जाता है। बट गाइज अभी तक बुलेरो चीट कोड नहीं आया। और जो भाई रोहित गेमिंग स्टूडियो जो इस गेम के डेवलपर हैं, आने वाले अपडेट में आपको एक्टिवा 4G स्कूटी देने वाले हैं, ये भाई गुड न्यूज़ है। और इसका भी मैंने पिछली वीडियो में रिव्यू किया हुआ है, और गाइज वो भी आप जाके मतलब देख सकते हो वो वीडियो, उसमें डिटेल के साथ बताया और प्रूफ के साथ बताया कि भाई आपको अगले वाले अपडेट में आपको जो है एक्टिवा 4G चीट कोड आपको देखने को मिल जाएगा और आने भी वाली है गैस। मैंने उसमें
रोहित भाई के कम्युनिटी पोस्ट का इमेज भी दिखाया है कि भाई उसमें आपको देखने को मिल जाती है। उन्होंने कहा था कि भाई अभी इसका वर्क डन हो चुका है, तो उसके बाद आने वाले अपडेट में आपको एक्टिवा 4G देखने को मिल जाती है। बट उसके आने वाले अपडेट में शायद हमें बुलैरो चीट कोड देखने को मिल जाए। लेकिन गैस हमें बुलैरो चीट कोड मतलब बुलैरो कोड देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि भाई मतलब रोहित भाई को मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले अपडेट में वो बुलैरो गेम के अंदर ऐड करें, क्योंकि भाई बुलैरो को भी मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं लोग कि भाई बुलैरो मोड लाओ, बुलैरो मोड लाओ। क्योंकि आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा कि सबसे ज़्यादा वीडियोस गाइज इसी बुलैरो चीट कोड के ऊपर होंगे, भाई बुलैरो चीट कोड यहाँ पे हमें फेक दिखा रहे हैं थंबनेल बना के, और गाइज मतलब वो भी सेम ही है, मतलब ऐसे ही है, लोग डिमांड करते हैं तो इसी पर बनाते हैं लोग। तो भाई साहब मतलब आने वाले अपडेट में शायद हमें बुलैरो चीट कोड भी देखने को मिल जाए, बट स्कूटी वाला पूरा गारंटी के साथ आपको देखने को मिलेगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।